चैप्टर 6 के बारे में इंट्रोडक्टरी बात करनी थी हमने। चैप्टर 6 में हम जो मेनली पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, वो केवल यही देखने वाले हैं कि पोषण क्या होता है, मतलब जैव प्रक्रम, पूरा के पूरा जैव चैप्टर का ही नाम जैव प्रक्रम है, जीव जिंदा कैसे रहते हैं उस पर आधारित है चैप्टर। तो हम पढ़ने वाले हैं कि जीवों में पोषण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है पोषण, फिर उसके बाद उनके मेन कुछ बॉडी के फंक्शंस रहते हैं, कुछ सिस्टम है जो कि ऑलरेडी धीरे धीरे जीवन के साथ साथ डेवलप होते गए, तो वो उसमें से एक है श्वसन तंत्र, एक है उत्सर्जन तंत्र, एक है परिवहन तंत्र, और ये इस सिस्टम के बारे में ही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है वो पोषण के बारे में पढ़ेंगे, हालांकि मैं ये चीज समझा चुका हूँ पहले आपको, ये पहला वाला पैराग्राफ पूरा के पूरा चैप्टर के बारे में ही है, तो चैप्टर किसके किससे रिलेटेड है। जय गुरु देने ना। तो चैप्टर किस बारे में, ये वाला पैराग्राफ बस इसी में बताता है। स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कोई, क्योंकि क्षति या टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम। अनुरक्षण मतलब कि होता है कोई चीज खराब हो जाए तो उसको सुधारना या फिर नई नई जैसे रिप्लेस करना, आप इसको बोल सकते हो अनुरक्षण। इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन जो मीन है अनुरक्षण का वो यही है कि हमारी कोशिकाएं अगर कहीं से डैमेज हुई हैं तो उन कोशिकाओं को रिपेयर करना और रिप्लेस करना, नई कोशिकाएं बनाना, है ना। अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है, इसके लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होगी। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर में बाहर से आती है, इसलिए ऊर्जा के स्रोत बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। तो अब वो नई कोशिकाएं बनना है, नई कोशिकाएं, पुरानी कोशिकाएं टूट गई है तो उनकी अगर मरम्मत करना है तो मरम्मत ऐसे ही तो हो नहीं जाएगी, उसके लिए कुछ ना कुछ आपको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जब ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो वो ऊर्जा कहीं ना कहीं से मिलना भी चाहिए ना, तो वही ऊर्जा जो है हमको बाहर से मिल रही होती है। हम खाना खा रहे होते हैं तो हमें वो ऊर्जा मिल रही होती है, उस ऊर्जा का यूज हमारी शरीर की कोशिकाएं करती हैं काय में, नई कोशिकाएं बनाने में, और पुरानी कोशिकाओं में अगर टूट फूट हो जाती है तो मरम्मत करने में। पुरानी कोशिकाओं में टूट फूट का मतलब है कभी कभी हमको चोट लग गई, या हम बीमार हो गए, या किसी ने थप्पड़ मार दिया, या तलवार मार दी, गोली मार दी, तो उस पर्टिकुलर एरिया की जहां पर भी वो चीज लगेगी हमको, वहां की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाएंगी। अब क्षतिग्रस्त हो जाएंगी तो नई कोशिकाएं बनाना ही पड़ेगा, उनको रिपेयर करना पड़ेगा या नई कोशिकाएं बनाना पड़ेगी, दोनों ही बातें हैं। शरीर तय करता है कि कोशिका की हालत ज्यादा खराब रहती है तो उसको अलग कर दिया जाता है, नई कोशिकाएं बनाई जाती हैं, अगर गुंजाइश होती है पुराने कोशिकाओं को रिपेयर करने की तो रिपेयर कर, उसके लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, खाने से मिलेगी। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन कहते हैं, और अंदर लेने के प्रक्रम, उस ऊर्जा को एक्सेप्ट करने के प्रक्रम को हम पोषण कहते हैं। यदि जीवन में शारीरिक वृद्धि होती तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है, अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित है। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव, मतलब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि पोषण कैसे मिलता है जीवों को, है ना। उसके बाद जो है श्वसन के बारे में बताए बताए चुके हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ग्रहण ऑक्सीजन हमारे नाक के थ्रू जा रही है, तो पूरा एक सिस्टम काम करता है, फेफड़े कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, उस ऑक्सीजन को कैसे खून में मिलाया जाता है, पूरा एक सिस्टम काम करता है जिसको हम श्वसन तंत्र बोलते हैं। फिर उसके बाद जब वो खून में मिल गया तो खून के माध्यम से ही केवल ऑक्सीजन नहीं, अगर हमारी कोशिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ भी बनाते हैं तो सबका वहन इधर उधर होना जरूरी है। ऑक्सीजन फेफड़ों में आई, फेफड़ों से खून में मिला दी गई, खून फेफड़ों से ले जाना पड़ेगा ना उसको पूरी बॉडी के अंगों तक, तो वो सिस्टम कहलाता है परिवहन तंत्र। उसमें मेन पार्ट है हार्ट हमारा, जिसको हम देखेंगे। उसके बाद आ जाता है इसमें उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन क्या करता है, बॉडी में से वेस्टेज चीजों को सभी को बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है, वो उत्सर्जन तंत्र है। खैर, हमारा पहला टॉपिक है पोषण। हम टहलते हैं, साइकिल की सवारी करते हैं, ऊर्जा का उपयोग करते हैं, उस स्थिति में जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे होते हैं, हमारे शरीर में क्रम की स्थिति अनुरक्षण। पहली बात तो मोटी पिक्चर देख लो, मोटी पिक्चर समझ में आ जाना चाहिए हर एक सिस्टम के बारे में, पोषण हो श्वसन हो, बहुत धुंधला दिख रहा है। एक मोटी पिक्चर आपके दिमाग में पहले से क्लियर होना चाहिए कि पोषण क्या होता है, श्वसन तंत्र क्या होता है, हम क्या चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला पोषण है, पोषण के बारे में, पोषण क्या है,
पोषण के नाम लेते से तुम्हारा शायद दिमाग में आता होगा कुपोषण से, है ना, और आना चाहिए अगर नहीं आता तो कुपोषण से, क्योंकि हमारे आसपास आंगनबाड़ी ऐसे एरिया होते, ऐसे ऐसे संस्थान है, ऐसी ऐसी क्या बोल सकते हैं उसको, ऐसी बॉडी है, बॉडी मतलब कि बॉडी मतलब संस्था ही होगा, ऐसी बॉडी है जो कि बच्चों के कुपोषण के लिए काम कर रही होती है। आंगनबाड़ी के माध्यम से सरकार बच्चों को न्यूट्रिएंट्स दे रही होती है, बच्चों को साथ साथ उनकी माओ को भी, ताकि कुपोषण ना हो। कुपोषण होने के लक्षण क्या है, सुखटा होना, पतले दुबला पतला होना बच्चे का, पोषण कुपोषण होने की वजह से क्या होगा, बच्चा बार बार बीमार रहेगा, तो वो कुपोषण के अंतर्गत आएगा। इसलिए सरकार क्या करती है, उसको अच्छा खाना, अच्छा पोषण देने के लिए दूध, ब्रेड, दलिया जो भी दिया जाता है आंगनबाड़ी पे वो दिया जाता है, ताकि बच्चा और माँ उसको खाए, उसके कारण से वो कुपोषित ना हो। कुपोषित नहीं होगा तो स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा, और हेल्दी रहेगा तो देश को आगे बढ़ाएगा, तो वो आंगनबाड़ी के कारण से। अच्छा, तो बड़ी पिक्चर क्या आना चाहिए आपके दिमाग में, पोषण का नाम लेते सी हमारी बॉडी खाना एक्सेप्ट कर रही है, खाने के कारण हम ऊर्जा एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऊर्जा ला रहे हैं अपनी बॉडी में, और उस ऊर्जा का यूज कर रहे हैं हम बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करने में और बॉडी पार्ट्स को बनाने में। जैसे आपकी तबीयत खराब हो गई तो वहां पर हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं जो होंगी, जो कि कोशिकाएं ही हैं, वो कोशिकाएं जो हैं वो लड़ रही होंगी बैक्टीरिया या वायरस से, तो कुछ कोशिकाएं मर भी रही होंगी, कुछ कोशिकाएं। अच्छा, ऐसे दिमाग का है, दिमाग जो हमारा तंत्रिका तंत्र, दिमाग का जो हिस्सा है मेनली तंत्रिका तंत्र का मेन पार्ट है हमारा दिमाग, तो वो न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ होता है। डेली हमारे दिमाग के अंदर हजारों या कुछ हद तक लाखों भी बोल सकते हैं, लाखों कोशिकाएं डेली मरती हैं और जिंदा होती हैं। अजीब बात है, लेकिन हाँ ऐसा हो रहा है। दिमाग हमारा जो है वो न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है, और न्यूरॉन का छोटा वो डायग्राम आपके दिमाग में होगा, 9th क्लास में पढ़ा हुआ था जब कोशिकाएं पढ़ रहे थे चैप्टर 5 में, तो वहां पर सेल्स में एक न्यूरॉन का डायग्राम आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, शायद आप लोगों ने बनाया भी होगा कॉपी में। तो वो न्यूरॉन जो है, पूरे तंत्रिका तंत्र जो है उसी न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है। कई हजारों या लाखों न्यूरॉन जो है, अब बोलोगे हजार या लाख कुछ एक बोलो, बहुत ज्यादा मात्रा में व्यक्ति से व्यक्ति में वेरी कर सकता है, है ना, ज्यादा मात्रा में बोलेंगे तो आप शायद मान लो, तो उसको मान लो, बहुत ज्यादा मात्रा में न्यूरॉन डेली जो है हमारे दिमाग में वो कोशिकाएं मरती हैं और नई कोशिकाएं बनती हैं। तो आप खुद सोचो, डेली हमारे माइंड को जो है वो एनर्जी की आवश्यकता होती रहती है ना। तो केवल माइंड ही नहीं, बाकी सभी अंगों को जो है, जैसे हार्ट पंप कर रहा है लगातार ब्लड, जितना भी आता जाता है उसको पंप करता जाता है, तो वो पंप कर रहा है तो उसको एनर्जी की आवश्यकता है, वो लगातार पंप करता रहेगा तो खून हमारी बॉडी में दौड़ता रहेगा पूरे अंगों तक। उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे मुझे बीपी लो की प्रॉब्लम है, मेरा बीपी लो होता है, ब्लड प्रेशर लो होता है, बीपी लो का मतलब क्या हो जाएगा, मेरा हार्ट जो है वो स्लोली, मेरी तरह आलसी मेरा हार्ट भी हो गया है, तो हार्ट क्या करता है, जब मैं सोता हूँ तो बहुत धीरे धीरे पंप कर रहा होता है। अब वो धीरे धीरे पंप करेगा तो आप खुद सोचो, ब्लड हार्ट जो है एक तरह से मोटर जैसी होती है ना, पानी के प्रेशर को बनाए रखती है, पानी के प्रेशर को तेज कर देती है, वैसे हार्ट भी पंप करता है, जिसके कारण से वेन्स में, धमनी और शिराओं में जो है वो रक्त आगे बढ़ता है। बीपी जब लो हो जाता है तो क्या हो जाएगा, हार्ट धीरे धीरे पंप कर रहा होगा, और धीरे धीरे पंप कर रहा होगा तो शायद हो सकता है, अगर आप ऊंचे करके सर रखकर सोने की आदत है, ताकि ये ज्यादा लगाने की आदत है जैसे मेरी है, तो हो सकता हो आपका वो ब्लड जो है वो सर तक ना पहुंच पाए, या फिर हो सकता हो पैर तक आपका खून ना पहुंच पाए, नीचे तक ना पहुंच पाए, जिसके कारण से जब आप उठो तो पैरों में दर्द हो, या फिर झुनझुनी हो, या फिर ऐसा लगे कि एकदम से आपके पैर है ही नहीं, इस तरह का भी फील हो सकता है। उस केस में क्या है, हार्ट धीरे धीरे काम कर रहा है, पंप नहीं कर पा रहा है, क्यों, हार्ट को जो है वो कई हद तक दिमाग कंट्रोल कर रहा होता है बीपी जो है वो, मेरे ख्याल से, मुझे तो ऐसा लगता है, डॉक्टर नहीं हूं मैं, ना ही मैंने MBBS किया हुआ है, इसको बंद ही कर दूं तो बहुत ज्यादा देर, तो मैं MBBS नहीं किया हुआ हूँ, लेकिन इतना जरूर पता है मुझे, या मेरे अंदाजे से मुझे ऐसा लगता है कि जो हार्ट बीपी की परेशानी है वो दिमाग से जुड़ी परेशानी ज्यादा है, दिमाग ही हार्ट को कंट्रोल कर रहा था। खैर, बताना ये चाहता था कि हर एक अंग को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, हर एक अंग ठीक ढंग से काम करता रहेगा तो व्यक्ति को पोषण अच्छे से मिलेगा, और पोषण अच्छे से मिलेगा तो उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी। पोषण जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रोथ के, पोषण अच्छा होगा बॉडी में, हर एक अंग अच्छे से काम करेगा तो आपकी वृद्धि अच्छे से होगी, ग्रो अच्छे से हो गया। आप उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरी दाढ़ी, यहाँ की दाढ़ी देखो घनी है, तो यहाँ इनके बालों को पोषण अच्छा मिल रहा है, यहाँ की दाढ़ी देखो पैचेस में है, तो यहाँ की दाढ़ी को पोषण अच्छे से नहीं मिल रहा है, इसके कारण से ये पैचेस में है।
केवल एक एग्जाम्पल जैसा लिया है, लेकिन हाँ कुछ हद तक सही है एग्जाम्पल। तो बोलना क्या चाह रहा हूँ, जिनकी घनी दाढ़ी होगी, चारों तरफ से दाढ़ी आ रही होगी, तो वो दाढ़ी जो है वो अच्छे पोषण के कारण से आ रही होगी, उनकी हेयर ग्रोथ जो है वो अच्छे पोषण के कारण से आ रही होगी। मेरी दाढ़ी कुपोषित है बेचारी, तो मेरी दाढ़ी अच्छे से नहीं आ पा रही, साइड से बीच में अच्छे से आ रही है। खैर जोक सा पार्ट, अगला जो पोषण के बारे में देख रहे हैं, पढ़ते हैं क्या बोल रहा है पोषण। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते, तो बताओ जरा। सजीव, सजीव बोला हुआ है, केवल इंसान नहीं आएगा उसमें, सजीव में पौधे भी आ जाएंगे, है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि पौधों में कैसे होता है भोजन का स्थानांतरण, या फिर भोजन पोषण कैसे पौधों में काम कर रहा होता है, और जो हम जैसे इंसान होते हैं उनमें पोषण कैसे काम कर रहा होता है। तो हम देखेंगे ब्रॉडली पोषण को दो भागों में बांटा हुआ है, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण में ऐसा पोषण जिसमें खुद से ही ऊर्जा बनाई जा रही होती है। आप बता सकते हैं कोई ऐसा जीव जिसको बाहर से ऊर्जा की जरूरत नहीं है, वो उसकी बॉडी अपने आप में सफिशियंट है, घर खुद ही खुद में खाना बना लेता है और बढ़ता रहता है। जैसे कोई जानवर का नाम मालूम है, खुद ही जो है अपने आप अंदर ही अंदर खाना बना लेता है और बढ़ता जाता है। कोई ऐसी चीज को जानते हो क्या, अंदर अंदर अपनी बॉडी के अंदर ही खाना बना लिया और उसका यूज कर लिया, कोई जानता है। अपने आसपास ऐसा उदाहरण देखो जो बढ़ रहा हो, लेकिन उसको खाना हम ना दे रहे हो, खाना वो खुद बना रहा हो। हाँ सहयोग के रूप में कुछ मदद जरूर कर सकते हैं हम, लेकिन खाना नहीं दे रहे डायरेक्टली कि ले बेटा खा ले, वो नहीं कर रहा है, लेकिन वो अपने आप में खाना बना रहा है। हिंट देता हूँ, हरित लवक, हरित लवक पाया पौधा जाता है जी। भैया, पौधा हाँ बिल्कुल, बिना सोचे समझे ही बोल सकते हो आप। पौधे जो है वो खुद ही, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे खुद ही भोजन बना रहते हैं पत्तियों में सूर्य के प्रकाश से, हम केवल पानी दे रहे होते हैं उनको, हम खाना देते हैं कि ले बेटा। अब आज अगर खाना, जिन नहीं बोला ना आंसर, तो पौधे को आज जाए ना सबसे पहले तुम अपना खाना खाओ, तो उसके साथ साथ बाहर जाना तुलसी आंटी को बोलना, लो आंटी खाना खा लो हमारी तरफ से, ऐसा कर्म है। भैया, हाँ ऋषि, मैं तो पौधों को जानवर बोल सकते हैं। पौधों को जानवर नहीं बोल सकते लेकिन सजीव बोल सकते हैं, नहीं, आपने है जानवर पूछा ना। हाँ था मैंने इसलिए। जानवर बोला था, इसलिए मैंने बोला था, बोलने का मकसद ये था कि अपने आसपास कोई ऐसा जानवर या जीव मौजूद है जो कि खाना अपने आप से बना रहा हो, है ना। तो हाँ मुझे जीव बोलना चाहिए था, ये बात बिल्कुल सही है, तो मैंने जानवर बोला था। तो जिन बच्चों के दिमाग में नहीं आया वो ऐसा करना, पौधों को खाना खिलाने की कोशिश करना। जानवर जीव की कैटेगरी में आते हैं, सजीव की कैटेगरी में आते हैं, डायरेक्टली नहीं बोलना चाह रहा था इसलिए मैंने जानवर बोला। खैर तो जो हमारे सजीव होते हैं आसपास, वो दो तरह से भोजन को प्राप्त कर रहे होते हैं। एक पोषण होता है स्वपोषी पोषण, जिसमें जीव खुद ही खुद में जो है वो खाना बना लेता है और उसी खाने का यूज ऊर्जा के रूप में खुद की वृद्धि के लिए कर लेता है, उस प्रकार के पोषण को बोलते हैं स्वपोषी पोषण। और दूसरे प्रकार के जीव जो हमारे सामने पाए जाते हैं उन्हें परपोषी पोषण बोलते हैं, उन्हें भोजन के लिए किसी दूसरे मीडियम पर डिपेंड होना पड़ता है, जैसे कि हम या कोई जानवर, है ना। क्या कोई सही में जानवर ऐसा हो सकता है जो खुद का खुद में भोजन बना ले, जानवर तो कोई नहीं है, सब पादप ही हैं, पौधे ही हैं। वैसे पृथ्वी बहुत अजीब है, मैं मान नहीं सकता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो। कोई ना के लिए आंसर है ही नहीं, मतलब हर ना के लिए आंसर है, ये बोलना सही रहेगा। पक्के में ऐसा कोई ना कोई ऐसा जीव ऐसा होगा पृथ्वी पर जो कि स्वपोषी पोषण कर रहा होगा, हमको पता नहीं। जीव मतलब जानवर, है ना, तो पक्के में होगा। खैर अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं, इन पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है ताकि ये जीव संरक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। इन्हें प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम इंपॉर्टेंट शब्द है, एंजाइम यहाँ पर जो बात समझ में आ रही है ना, हम रोटी खाएं ऊर्जा के लिए, तो क्या हो यदि वो रोटी का कण ही हमारे खून में बह रहा हो,
ऐसा पॉसिबल है क्या? हमारे खून में रोटी बहेगी क्या? मतलब इधर से नस काटो और यहाँ से जो है वो बर्गर निकल रहा होगा, ऐसा पॉसिबल है? चीज निकल रहा होगा, घी निकल रहा होगा हमारे नसों में से? किसी के खून में से घी निकलता है क्या? चीज निकलता हो, शक्कर निकलती हो खून में से? खून में से नहीं निकलता ना कुछ। तो बॉडी क्या कर रही होती है हमारी? बॉडी जब हम खाना खाते हैं, पेट में जाता है, वहां पर कुछ केमिकल रिलीज करती है जिससे खाने में से पोषक तत्वों को निकाला जाता है। उन पोषक कौन कौन से पोषक तत्व होंगे? चार मेन है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन, खनिज लवण। इन सभी चीजों को वो एंजाइम क्या करते हैं? भोजन में से निकालने का काम करते हैं। और जो फालतू की चीजें होती हैं जो हमारे काम के नहीं, उसको आगे बढ़ा देते हैं, तो वो छोटी आंत से बड़ी आंत से होती हुई बाहर निकाल दी जाती है मल के द्वारा। तो वो हमारे काम की चीज नहीं थी। जो हमारे काम की चीज थी वो एंजाइम हमारी बॉडी, पढ़ेंगे अभी हम जब पाचन तंत्र पढ़ेंगे, इसी में आएगा आगे, पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें एंजाइम के बारे में पता चलेगा कि हमारे यकृत और जो कुछ ग्लैंड्स होती हैं, जैसे ग्लैंड्स मतलब ग्रंथियां होती हैं, जैसे कि स्टमक हो गया, आमाशय हो गया, यकृत हो गया, छोटी आंत के नीचे जैसे पित्ताशय होता है, तो वो पित्ताशय भी जो है वो कुछ एंजाइम छोड़ रहा होता है। वो हर एक एंजाइम जो है हर एक अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को पाचित करने का काम करता है, शोषित करने का काम करता है, जिससे हमारी बॉडी उन न्यूट्रिएंट्स का यूज कर सके। तो वही जो है न्यूट्रिएंट्स को ही हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है और ब्लड में घोल देती है। तो यदि हाँ, आप यदि ब्लड का टेस्ट करोगे तो उसमें प्रोटीन का वसा कार्बोहाइड्रेट जरूर मिलेगा, बर्गर पिज्जा या रोटी का टुकड़ा डायरेक्ट नहीं मिलेगा आपको ब्लड में से। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी कठिन पदार्थों को, ये जटिल पदार्थ है, रोटी हो गई या सब्जी हो गई, ये जटिल पदार्थ है, बहुत सारे केमिकल, बहुत सारे तत्वों से मिलकर बने हुए हैं, उन तत्वों में से हमारे काम के जो तत्व हैं उनको निकाल लेती है ना, पोषण की क्रिया में ही हो रहा होता है ये। वही लिखा हुआ है इन्होंने एंजाइम के बारे में। एंजाइम जो है वो एक जैव उत्प्रेरक की भांति काम करते हैं, बॉडी छोड़ती है ताकि खाने में से पोषक तत्वों को निकाला जा सके। क्या केवल शरीर में ही होते हैं एंजाइम? नहीं, बहुत सारी जगह बाहर भी आप बोल सकते हो। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है उत्प्रेरक, उत्प्रेरक, इस उत्प्रेरक शब्द को याद रखें, है ना, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत बार यूज होता है। उत्प्रेरक मतलब ऐसे केमिकल होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग डायरेक्टली नहीं लेते हैं, लेकिन अभिक्रिया की दर को कम ज्यादा कर देते हैं। उत्प्रेरक याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट शब्द है, पूछा जा सकता है आपसे। उत्प्रेरक किसको बोलते हैं? उत्प्रेरक बोलते हैं ऐसे रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अभिक्रिया की दर को निर्धारित कर देते हैं, दर को कम या ज्यादा कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बात करें, यदि हम शराब बनाना, तो शराब बनाने के दौरान इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम का यूज किया जाता है। शराब कैसे बनाई जाती है? कुछ भी नहीं, जो जैसे एक उदाहरण ले लेता हूँ मैं शराब बनाने का, गन्ने से शराब बनाना। गन्ने के रस को गर्म किया जाता है, शीरा तैयार हो जाता है उससे, शीरा मतलब एक तरह से गाढ़ा रस। फिर उस गाढ़े रस को जो है वो सड़ाने के लिए रख दिया जाता है। अब सड़ाने में बहुत टाइम लग सकता है ना, उसमें क्या करते हैं, कुछ एंजाइम मिला देते हैं, इन्वर्टेज और जाइमेज जैसे। वो एंजाइम क्या करते हैं, उसको जल्दी से जल्दी सड़ाने का काम करते हैं। हाँ, सड़ाकर ही बनाई जाती है रस, फलों को जो है सड़ाकर बनाई जाती है। और शायद मैंने रेड वाइन तो आपको बताई होगी कि रेड वाइन कैसे बनाई जाती है, बताइए क्या रेड वाइन अंगूरों से शराब कैसे बनाई जाती है? मैं भेजी थी मुझे। भेजी थी रेड वाइन, भेजी थी वीडियो, भेजी थी भैया, पूरा क्लियर बोला करो, नहीं तो बोलेंगे भैया रेड वाइन की डिलीवरी करने लगे हैं, मेरे यहाँ भीड़ लग जाएगी। अगला है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण मतलब कि जीवों में खुद से होने वाला पोषण, या फिर हम ये बोल सकते हैं, मैंने शायद आप लोगों को पहले ही बोला है, इन जितने भी टॉपिक है ना, पोषण आएगा, श्वसन, उत्सर्जन, ये सारे टॉपिक आएंगे ना, हम दोनों के बारे में पढ़ रहे होंगे, पादप के बारे में भी और हमारे बारे में भी। तो पादप में कैसा होता है, पौधों में कैसा होता है वो चीज, और हम में कैसा होता है। तो अभी जो ये स्वपोषी पोषण है ये पादप के बारे में, परपोषी में किसके बारे में आएगा, हमारे बारे में जाएगा। सेम के श्वसन उत्सर्जन के परिवहन के बारे में भी ऐसे सेम टू सेम होगा। तो स्वपोषी पोषण के बारे में लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन आता है इसमें बहुत ब्रॉडली यूज किया जाता है, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण में अंतर है ना। एक बार ब्लूप्रिंट जरूर देख लेते हैं, ब्लूप्रिंट में इस चैप्टर में कुछ हटा तो नहीं है, कुछ हटा होगा तो उस पर थोड़ा सा कम फोकस करेंगे। एमपीपीएससी की साइट से ब्लूप्रिंट आ चुका है तो एक बार देख लेते हैं। ये बहुत गलत तरीके से दिया है इन्होंने ब्लूप्रिंट, एक साइड में दिया हुआ है, उसको प्रिंट भी डायरेक्ट नहीं करवा सकते।
आप लोग भी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, एमपी बोर्ड की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा ये। ये 10वीं का, इसमें हम देखेंगे जय प्रक्रम। तो जय प्रक्रम 9 नंबर का चैप्टर है, जिसमें से 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव आना है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। टोटल 2 प्रश्न आना है, 3 ऑब्जेक्टिव आना है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाएगा। और इसमें से हटा तो नहीं है कुछ, देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 4, 6 नहीं है कुछ भी, चैप्टर नंबर 6 में से कुछ भी नहीं हटा हुआ, तो पूरा चैप्टर पढ़ना है हमें, और इसी के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी हो जाता है चैप्टर। 9 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें क्वेश्चन बनता है, स्वपोषी क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है एक तो, और दूसरा जो है वो, हाँ यहाँ पर एक रिएक्शन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जो हम पहले चैप्टर में पढ़ते हैं, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कि नहीं, आपने एग्जाम में भी सॉल्व किया हुआ है। तो उसमें हम क्या करते हैं, ग्लूकोज की क्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऊर्जा और पानी बन रहा होता है। यहाँ पर फिर से एक रिएक्शन आती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की क्रिया पानी से करवा रहे होते हैं, है ना। ये वाली जो है पोषण की अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के, उन्होंने, पौधों ने वातावरण से ली, उसमें हमने क्या मिलाया, पानी मिलाया हमने दिया, या फिर बारिश से मिला उनको, और क्लोरोफिल जो कि कोशिकाओं में उपस्थित रहता है, इसको हरित लवक भी बोलते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन गैस बनाता है जो कि पौधे रिलीज करते हैं और हम एक्सेप्ट करते हैं, और साथ में बनाता है पानी, है ना। तो ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है और पानी बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है ये। इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक बार खुद से हम करके देखेंगे इसको। बहुत सिंपल सी चीज है, ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पर कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, इस डायग्राम में पत्ती की संरचना दी हुई है कि पत्ती का क्रॉस सेक्शनल व्यू कैसा रहता है, पत्ती की थिकनेस होती है, ये वाली जो त्वचा की उसकी परत है वो इस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी रहती है, ऊपरी बाह्य त्वचा सबसे। अब देखना इसको 2 तरह से दिखाया हुआ है उन्होंने, ये रियल व्यू दिखाया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर एक गोला बना दिया है कि यहाँ पर, 2 मिनट इसको मैं बड़ा कैसे करूँ, यहाँ पर ये पत्ती दिखाई हुई है, और पत्ती के अंदर ये जो परत है वो कैसी बनी हुई है उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ। सबसे ऊपरी परत जो है वो मोमी क्यूटिकल, मोमी क्यूटिकल, मोमी क्यूटिकल मतलब कि मोम जैसी परत होती है, ताकि पानी उस पर ठहरे ना और वो सड़ेगी नहीं, पानी अगर पानी ठहर जाएगा तो सड़ने लगेगी, ऊपरी परत ये है। तो उसके बाद यहाँ पर हरित लवक पाया जा रहा है, बीच में वायु कोश है, मतलब वायु के बुलबुले हैं, पानी हवा के बुलबुले हैं, द्वार कोशिका यहाँ पर है लिखा हुआ, निचली बाह्य त्वचा। ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बनाने की जरूरत भी नहीं है आपको, एग्जाम में भी नहीं आता है, स्वपोषण के बारे में लिखने को आता है, डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्वपोषी जीव कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी करते हैं। यह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लाए पदार्थों को ऊर्जा संचय रूप में परिवर्तित कर लेता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। अगले अनुभाग में अध्ययन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते, उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह काम करेगा, पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। कुछ इस तरह स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है, हमारे द्वारा खाए गए भोजन से उत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। तो बोलना ये चाह रहे हैं वो कि पौधे अपनी जो एनर्जी बनाते हैं उसका कुछ भाग संचित कर लेते हैं। 2 मिनट में स्क्रीन पर आपको बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, 9th क्लास में कोशिका का डायग्राम याद है किसी को, पादप कोशिका का डायग्राम। ऐसा कुछ होता था, सबसे बाहरी कोशिका भित्ति होती थी, केंद्रक होता था, उसमें अलग अलग तरह के पदार्थ रहते थे। एक पदार्थ ऐसा रहता था, बहुत बड़ा सा रहता था और खाली दिखा देते थे, और उसको हम बोलते थे रिक्तिका, याद है किसी को, सबसे बड़ी होती थी रिक्तिका। रिक्तिका का काम क्या था आपको मालूम है, केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, माइटोकांड्रिया ऊर्जा का घर होता है, इसमें हरित लवक जो है वो प्रकाश संश्लेषण में काम आता है, कोशिका भित्ति जो है वो जालनुमा संरचना होती है जो अंदर की चीजों को बाहर नहीं जाने देती, केवल कुछ चीजों को अंदर आने देती है, जिसको हम परासरण बोलते हैं। तो वो चीजें, ये सारी चीजें पढ़ी हुई, ये रिक्तिका का काम क्या था, रिक्तिका क्या काम आती थी,
कोई बताना चाहेगा? नहीं, तो ये रिक्तिका जो है एक तरह से भंडार करने के काम आती थी, स्टोरेज के भांति काम करती थी एक तरह से। हम आप क्या करते हैं, देखोगे आप गर्मियों के दिनों में प्याज सस्ती होती है तो घर में हम जो है वो प्याज इकट्ठी करके रख लेते हैं। गेहूं आता है तो गेहूं जो है टंकियों में भर भर के रख लेते हैं, साल भर खाते रहते हैं। हम स्टोर खाना स्टोर करते हैं ना, इंसानों की प्रवृत्ति होती है। वैसे हमारी कोशिकाएं भी जो है वो भंडारण करने में सक्षम होती हैं, खाने को संचित करने में सक्षम होती हैं। ये क्या करती हैं कोशिकाएं, जब इनको खाना मिल रहा होता है एनर्जी के लिए ज्यादा मात्रा में, तो ये कुछ अपना जो ऊर्जा है या खाना है वो रिक्तिका में स्टोर करके रख लेती हैं, और जब इनको खाना नहीं मिलता है तो इस खाने का यूज कर रही होती हैं। उदाहरण के लिए आप एक बात समझो, प्रैक्टिकली चीज है, ये चीज देखी भी होगी आपने, कभी गौर नहीं किया होगा, लेकिन कुछ ने किया भी होगा, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने तो नहीं किया था अभी तक। लेकिन आप पतझड़ का सीजन जानते हो, ठंड के बाद पतझड़ का सीजन आता है, जब पत्तियां गिरने लगती हैं पेड़ों से, देखा है सभी ने सीजन को? हाँ ना बोलो। हाँ भैया, हाँ भैया, तो देखो अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पर स्व पोषण के अंतर्गत आपने देखा और आप पहले से भी जानते हो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है। प्रकाश संश्लेषण पौधे में कहाँ होती है, किसी पत्तियों में, पत्तियों में। को डाउट तो नहीं है इसमें? पत्तियां ही प्रकाश संश्लेषण, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करती हैं, वहीं पर भोजन बना रही होती हैं, और जो भोजन बनाती हैं वो पूरे के पूरे जहां जड़ों तक भेजती हैं, ताकि जड़ों को भी पोषण मिले और पौधा आगे बढ़े, उसका पोषण हो सके, न्यूट्रिएंट्स मिल सके और वो बड़ा हो सके। पतझड़ के सेशन में या पतझड़ के सीजन में जब पत्तियां झड़ गई तो फिर पौधे में भोजन कहाँ से बनेगा? कभी डाउट आया? ये पौधे पौधे को भोजन लगातार हर दिन जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चलती रहती है, भोजन बनता रहता है और भोजन जो है वो पौधे को मिलता रहता है। लेकिन पतझड़ के सेशन में जब पत्तियां झड़ गई हैं तो अब प्रकाश संश्लेषण कहाँ होगा, और जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधे को जो है वो पोषण नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। जब खाना नहीं मिलेगा तो पौधे को मर जाना चाहिए, लेकिन पौधा मरता नहीं है। तो यहाँ पर ये रिक्तिकाएं काम आती हैं, और पौधे का मंड काम आता है। मंड क्या होता है, आपने यदि पेड़ को ध्यान से देखोगे या पौधे को ध्यान से देखोगे, पौधे का शेप कुछ ऐसा ऐसा रहता है, और नीचे का भी ध्यान से देखना, यहाँ पर एक मोटा सा हिस्सा रह जाता है, या फिर जो तना होता है ना वही के वही जो है वो मोटा हो जाता है नीचे यहाँ पर, और फिर यहाँ से जड़ें शुरू होती हैं। कभी आप पौधे को ध्यान से देखोगे तो इस तरह का कुछ दिखाई देगा पौधा, ये उसके ऊपर की पत्तियां वगैरह होंगी। यहाँ पर आपको जड़ों के पास पौधा मोटा दिखाई देगा, कई पौधे मोटे हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, अपने जब इनको संपूर्ण पोषण मिल रहा होता है उन दिनों में इनकी पत्तियां जो हैं वो आसानी से खाना बनाती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, और वो खाना क्या करती हैं, यहाँ पत्तियों में बनता है, यहाँ से नीचे जड़ों में भेज दिया जाता रहता है। ये पौधा क्या करता है, थोड़ा सा स्मार्ट है, थोड़ा सा होशियार है, उसको पता है कि पतझड़ का सेशन आने वाला है, तो ये क्या करता है, पत्तियों को द्वारा बनाया गया भोजन यहाँ पर इकट्ठा कर लेता है। यहाँ मंड की जितनी भी कोशिकाएं हैं रिक्तिकाएं पूरी तरह से खाने से भर जाती हैं, फुल्ली स्टोर कर लेता है, और जब पतझड़ का मौसम आता है तो ये खाना कहाँ से ले लेता है, यहीं के यहीं ले लेता है, पत्तियों से ना लेकर, पत्तियां तो है ही नहीं, पत्तियां तो ऑलरेडी पतझड़ में गिर चुकी हैं, वो तो खत्म हो चुकी हैं। तो यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं जिनके रिक्तिकाओं में भोजन भरा हुआ है, जड़ें इससे जो है वो पोषण ले लेती, और उस पतझड़ के मौसम के दौरान 1-2 महीने का पीरियड रहता है लगभग लगभग, ज्यादा से ज्यादा मैं 2 महीने, तो वो 2 महीने के दौरान ये मंड जो है पौधे को पोषण देने का काम कर रहा होता है, ये रिक्तिका जो है वो पौधे को पोषण देने का काम कर रही होती है, और इसी कारण से पतझड़ में पौधा या पेड़ जो है वो मरता नहीं है ना। तो ये बारे इसके बारे में पता नहीं किसी को, और आप लोग को और किसी को नॉलेज होगा अगर तो होगा, लेकिन मुझे नहीं था, मुझे इसके पढ़ाने के बाद ही नॉलेज हुआ इस चीज का, कि पत्ती कॉमन सा बेसिक क्वेश्चन है ना, बोल रहे देखो पत्तियों में भोजन बनता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया पत्तियों में होती है, हरित लवक पत्तियों में पाया जाता है, खाना वही बनता है, तो पतझड़ के मौसम में कहाँ से फिर खाना मिलता है, तो खाना स्टोर कर लिया जाता है, जो मंड होता है वहां की कोशिकाओं की रिक्तिकाओं में भोजन स्टोर करके रख लिया जाता है, और फिर जब पत्तियां झड़ जाती हैं पतझड़ का सीजन आ जाता है तो खाना उस मंड की सहायता से पौधों में मिल रहा होता है। 12th क्लास में इसे और ज्यादा डीप में आप पढ़ोगे।
ठीक, उसके बाद ये रिएक्शन आपको मेरे ख्याल से बिना उसके याद हो जाना चाहिए। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आपने सुना होगा मेरे ख्याल से, सभी लोग जानते हैं कि पौधे जो है वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं, तो वही लिख रहे हैं हम। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उन्होंने वातावरण से ग्रहण करी, H2O पानी हमने सिंचाई के तौर पर दे दिया उनको, या फिर बारिश ने दे दिया, पानी जो है मिट्टी की सहायता से उनको मिल गया। फिर उसके बाद इन दोनों की क्रिया से, इन दोनों की क्रिया से हरित लवक की उपस्थिति, या फिर क्लोरोफिल जिसको बोलते हैं, क्लोरोफिल की सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियां जो हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आपको लिखना पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश काने लगाया हुआ है, चलेगा, लाइटिंग पे ध्यान मत देना, बहुत गंदी मालूम। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो पौधा क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला कोई बताएगा, किसी को याद हो? C6H12O6। C6H12O6, मेरे ख्याल से तो ये सभी को याद होगा। तो ग्लूकोज बनाया उन्होंने, साथ में आपको पता है ऑक्सीजन देते हैं पौधे या पेड़ पौधे, पेड़ दोनों ही, पेड़ हो या पौधे हो, ऑक्सीजन देते हैं, तो ऑक्सीजन बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, साथ में बनाएगा पानी। पौधे पानी बना रहे होते हैं, हाँ आपने मैन वर्सेस वाइल्ड में कई बार देखा होगा, वो बांस के पेड़ से, बांस के बीज से काटता है, उसका पानी पी लेता है, वो पानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही बन रहा होता है। यही पानी परिवहन का काम भी करता है पौधों में, परिवहन मतलब अपने में जैसे खून काम कर रहा है वैसे यहाँ पर पानी काम कर रहा होता है। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करते हैं अगले पोर्शन में, एक बार फिर से ज्वाइन करिए ताकि इस चीज को बैलेंस कर सकें और कुछ नया सीख सकें। एक बार फिर से ज्वाइन करिए अगर कुछ समझ में आ रहा है।